Hi kids, hello, welcome, welcome and welcome, welcome to this class, okay, you say loudly good morning miss, yes, good morning all of you, yes, आपने good morning कहा है मुझे, अच्छा लगा, okay, तो today's topic, story time, और इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले भी मैंने आपको दो स्टोरी पढ़ाई थी, है ना, प्रीवियस क्लास में भी हमने दो स्टोरी पढ़ी है, पहली तो पढ़ी थी हमने थर्स्टी क्रो की और सेकंड वाली हाँ टू सिली गोट। थर्स्टी क्रो में आपने देखा था वो थर्स्टी क्रो कैसे वाटर ढूंढ लेता है ना, वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो हम आखिरी तक ट्राई करता है ना, उसमें वो स्टोन टकता है कलेक्ट करके, वाटर ऊपर आता है, वो अपनी क्या पानी पी जाता है और फिर हैप्पीली वो फ्लाई करता है ना, उड़ जाता है, लेकिन वो कोशिश कितना करता है, वो मटके में तो इतना सही पानी होता है, ये भी पढ़ी थी हमने। और टू सिली गोट में वो दो मूर्ख बकरियाँ कैसे छोटे सा ब्रिज रहता है वो क्रॉस, मतलब एक टाइम एक ही जन वहाँ से गुजर सकता है, लेकिन वो दोनों की दोनों वो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है, फाइटिंग करती है और उसके बाद में वो वाटर में गिर जाती है रिवर में और दोनों की दोनों बह जाती है। ऐसे भी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, है ना, थर्स्टी क्रो ने कैसा दिमाग लगाया था, वैसे उन दोनों ने किया था क्या, नहीं, उन दोनों ने क्या किया था, फाइटिंग की थी। फाइटिंग करनी चाहिए क्या बेटा, नहीं बिल्कुल ही नहीं, फाइटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, है ना, अकलमंदी से काम लेना चाहिए, है ना, ओके। तो देखो आज अपनी स्टोरी में कौन है, पप्पी है, कौन है, पप्पी है। अब देखो ये पप्पी भी अपने मम्मी की बात नहीं मानता, है ना, उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा रात के समय बाहर जाना है क्या, नहीं, लेकिन वो क्या करता है, बाहर जाता है ना, वो मम्मी की बात सुनता है क्या, नहीं। और फिर देखो वो रात के समय में जब बाहर जाता है ना, तो वो फिर देख लो कितना उसके साथ वो कैसे डर जाता है ना, उसका वो अपने को स्टोरी के एंड में पता चलेगा कि वो उसकी मम्मी उसको क्या कहना चाहती थी और मम्मी की बात कैसे सुननी चाहिए, है ना, ओके। तो चलो फिर हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं अभी, ओके, चलो। पप्पी इज स्लीपिंग विथ हिज मदर, पप्पी इज स्लीपिंग विथ हिज मदर। एक बार पप्पी अपने मम्मी के साथ ऐसे सोया हुआ रहता है ना, सडनली ही वेकअप, अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो उठ जाता है, से सोया हुआ होता है वो रात को और फिर उसकी आँख खुल जाती है और वो उठ जाता है, ओके। ही सी द मून एंड द स्टार, वो बाहर देखता है, रात नाइट का समय होता है, रात का समय होता है और वो बाहर देखता है, वो बाहर क्या देखता है कि उस स्काई में यानी कि आकाश में क्या होता है, स्टार होते हैं और मून होते हैं, स्टार होते हैं और मून, चांद और स्टार होते हैं, ओके ओके। तो फिर क्या करता है, वो क्या देखता है, वो स्टार और मून देखता है, ओके। फिर ही वॉन्ट्स टू गो आउट, ही टिपटोस आउट ऑफ द हाउस, वो क्या करता है, ऐसे धीरे से उठता है, एकदम धीरे से उठता है और अपने से पैरों का आवाज़ भी नहीं होने देता और ऐसे धीरे 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 करके वो निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है, घर के बाहर निकल जाता है। मम्मी ने पहले ही बताया रहता है उसको कि बेटा रात के समय बाहर जाना नहीं, लेकिन वो सुनता है क्या पप्पी, नहीं, वो बाहर स्टार देखता है, मून देखता है और उसको अंधेरा तो दिखता ही नहीं, ऐसे ही निकल जाता है वो, है ना, लेकिन बाहर तो अंधेरा भी होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे अपने पैरों की आवाज़ भी नहीं होने देता और ऐसे धीरे 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 करके नहीं क्या वो निकल जाता है, वो निकल जाता है। मदर ऑलवेज टेल हिम नॉट टू गो आउट अलोन, मदर ने उसको क्या कहा रहता है कि बेटा अकेले बाहर जाना नहीं, आपकी भी मम्मी आपको कहती होंगी अकेले बाहर जाना नहीं, है ना, आप सुनते हो ना, यस, सुनना चाहिए मम्मी का, आप गुड बच्चे हो। तो वो क्या बोलती है उसकी मम्मी, हिम नॉट टू गो आउट अलोन, वो आपको बाहर जाना नहीं है, हाँ, फिर भी पप्पी सुनता है क्या, नहीं, ही गोज आउट अलोन, वो फिर भी बाहर चला जाता है, वो क्या होता है, फिर भी बाहर चला जाता है। इट इज़ अ डार्क आउटसाइड,
बाहर क्या था? बाहर बहुत अंधेरा था, बाहर बहुत अंधेरा था। ही स्क्रेट सडनली, ही सीम समवन बिहाइंड अ बुश। और इतने में क्या हो जाता है, इतने में क्या हो जाता है, उसको ऐसे एक बुश यानी कि ऐसा कुछ तो भी उसको दिखता है उधर से आते हुए। उसको क्या होता है, ऐसा वो अपने, वो तो अंधेरा रहता है, इट्स अ डार्क आउटसाइड, और फिर क्या होता है, वो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई तो भी अपने पास आ रहा है, अपने पास ऐसे धीरे धीरे आ रहा है। ओके, ही मस्ट बी द बिग ब्लैक डॉग। उसको क्या लगता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा बिग ब्लैक डॉग आ रहा है, ये तो पप्पी छोटा सा होता है। ओके, लेकिन उसको कैसा लगता है, वो तो डार्क आउटसाइड रहता है, और उसको लगता है कि एक बड़ा वाला बिग ब्लैक डॉग यानी काला कुत्ता उसकी तरफ आ रहा है, ऐसा पपी को लगता है। मदर, फिर वो सोचता है, मदर वॉर्न्स मी अबाउट ही थिंग्स। वो क्या सोचता है, मदर वॉर्न्स मी अबाउट, मदर ने मुझे कुछ तो कहा था। वो सोचने लगता है कि मदर ने मुझे कुछ तो कहा था, क्या कहा था, कि बाहर तो अंधेरे में जाना नहीं, बाहर बहुत बड़ा अंधेरा है, लेकिन मैंने तो मम्मी का सुना ही नहीं और मैं तो बाहर निकल गया। अब इतना बड़ा बिग ब्लैक डॉग मेरी तरफ आ रहा है, वो पपी कैसे घबरा जाता है ना। उतने में आउट ऑफ द बुश कम ए फिगर, आउट ऑफ द बुश कम ए फिगर, उसको वो बुश में से एक फिगर नज़र आती है, वो बुश में से एक फिगर नज़र आती है, और वो देख ऐसे देखते रहता है। ओके, इट इज़ हिज मदर, लेकिन वो क्या होता है, इट इज़ हिज मदर, वो उसकी मम्मी रहती है। कौन रहती है, उसकी मम्मी रहती है। ब्लैक ब्लैक डॉग रहता है क्या, नहीं, मम्मी बोलती है बैक टू योर बेड। क्या बोलती है मम्मा उसके, बैक टू योर बेड। पपी सी सेज, कौन, पपी की मम्मी बोलती है बैक टू योर बेड, चलो चलो सो जाओ, चलो घर में चलो सो जाओ। पपी हैप्पीली डज, पपी हैप्पीली डज एज मदर, पपी खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और दोनों ही हग्स हिज मदर, और ऐसे जाता है दौड़ते हुए और अपने मम्मा को ऐसे, अपने मम्मा के पास ऐसे लिपट जाता है वो, है ना। जब आप घबराते हो तो आप अपने मम्मा को ऐसे कस के पकड़ते हो ना, है ना। एक तो पपी की मम्मी रहती है, वो उसको तो पहले बिग ब्लैक डॉग दिखता है, लेकिन वो ब्लैक डॉग रहता है क्या, नहीं, वो कौन रहती है, वो उसकी मम्मा रहती है। कौन रहती है, उसकी मम्मा। फिर वो क्या करती है, बाहर आती है और बोलती है बैक टू योर बेड, चलो सो जाओ, चलो सोने के लिए चलो। अच्छा होता है ना उसकी मम्मा ही रहती है, तो बिग ब्लैक डॉग रहता तो, है ना, ये तो पप्पी तो डर ही जाता, है ना, लेकिन वो उसकी मम्मा होती है। और फिर दोनों वो ही हग्स हिज मदर, वो अपने मम्मा के गले मिल जाता है, और दोनों मिलके फिर घर में चले जाते हैं, दोनों मिलके घर में चले जाते हैं। तो देखो, ऐसी थी स्टोरी आज की अपनी। कैसे लगी आपको ये स्टोरी, और इससे आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब मम्मा हमको किसी बात के लिए टोकती है या बोलती है, तो वो मम्मा की बात हमें सुननी चाहिए, वो मम्मा की बात हमें सुननी चाहिए। ऐसे पप्पी सारी का करना चाहिए क्या, अंधेरे में अकेले में बाहर निकल जाना, और फिर वो डार्क आउटसाइड बहुत सारा अंधेरा है ना, और फिर वहाँ से उसको बिग ब्लैक डॉग भी दिखता है आते हुए, है ना, और फिर वो घबरा जाता है। अच्छा हुआ ना उसकी मम्मा ही थी, तो नहीं तो फिर तो वो तो बहुत घबरा जाता है ना। इसीलिए आप सभी को ये स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि अपने मम्मा की बात हमेशा माननी चाहिए। ओके, हाँ, कैसी लगी स्टोरी, अच्छी लगी? ओके, तब तक अपना ख्याल रखना है। ओके, फिर नए स्टोरी के साथ मैं आऊँगी। बाय बाय।